दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत सस्ते अनलिमिटेड प्लान वाले फोन के बारे में, और दूसरा हम बात करेंगे कि अब कोरोना टेस्टिंग गूगल फोन से भी हो सकती है। इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपका बजट है सिर्फ 2000 रुपये, 2000 रुपये में आपको लेना है फोन और आपको चाहिए 2 साल तक का अनलिमिटेड कॉलिंग रिचार्ज, यानी कि आप 2 साल तक 24 महीनों तक आप कॉलिंग भी करना चाहते हैं और आप रिचार्ज भी नहीं कराना चाहते हैं और आप 2000 रुपये में फ़ोन भी खरीदना चाहते हैं, आप उसी बजट में सिम भी लेना चाहते हैं, तो आपको मिलेगा जियो का फ़ोन जो कि 2000 रुपये में आपको दे देगा 24 महीने का अनलिमिटेड कॉलिंग और साथ में 24 महीने तक हर महीने 2 GB का हाई स्पीड डेटा। तो दोस्तों 1 मार्च से जियो का फोन आने वाला है जिसमें कि आपको मिलेगा 24 महीने का अनलिमिटेड कॉलिंग का रिचार्ज, मतलब कि आपने 24 महीने के लिए आपको कोई रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं किसी भी नंबर पर। और साथ ही साथ आपको मिलेगा 2 GB का डेटा हर महीने कॉलिंग करने के लिए। और अगर आपका बजट इससे भी कम है तो 1500 रुपये में आप कॉलिंग कर सकते हैं 1 साल तक अनलिमिटेड किसी भी नंबर पर, यानी कि 1500 रुपये में 12 महीने का प्लान मिल जाएगा आपको जिसमें कि आप अनलिमिटेड कॉलिंग किसी भी नंबर पर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको मिलेगा 2 GB डेटा हर महीने 1 साल तक, यानी कि 12 महीने तक। तो यहाँ दो प्लान है, एक 2000 रुपये का प्लान है जिसमें कि 24 महीने तक 2 GB डेटा हर महीने मिलेगा आपको, और दूसरा प्लान है जिसमें कि 12 महीने तक आपको हर महीने जो है 2 GB डेटा मिलेगा और अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाएंगे आप। तो दोस्तों तो जहां फोन भी शायद इतने रुपए में ना मिले आपको जिसमें कि आप बेसिक चीजें यूज कर पाए, वहीं आपको ऐसा फोन मिल जाता है 2000 रुपए के आसपास या 1500 रुपए के आसपास जिसमें कि आप YouTube, WhatsApp, Facebook यूज कर पाए और वो भी अनलिमिटेड कॉलिंग के ऑप्शन के साथ। तो ये काफी अच्छा जो है प्लान है जियो का, जो अब वापस आ गया है। 1 मार्च से दोबारा ये फ़ोन मिलने वाले हैं जिसमें कि आपको 2000 रुपये में 24 महीने का प्लान मिल जाएगा और 1500 रुपये में 1 साल का प्लान मिल जाएगा जिसमें कि आप लिमिटलेस अनलिमिटेड जो है बातें कर पाएंगे किसी भी नंबर पर। और इसके अलावा आपको हर महीने मिलेगा 2 GB का डेटा, 2000 रुपये में आपको 24 महीने तक हर महीने 2 GB डेटा मिलेगा और 1500 रुपये में आपको हर महीने 2 GB का डेटा मिलेगा 12 महीने तक, और 12 महीने के लिए आपका जो है लिमिटलेस अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाएंगे आप किसी भी नंबर पर। और जिन लोगों के पास पहले से जियो का फ़ोन है, जो जियो का फ़ोन आ रहा था अगर वो है आपके पास, तो वो 750 में उसका रिचार्ज हो जाएगा, 1 साल तक आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाएंगे, हर महीने 2 GB का डेटा मिल जाएगा आपको 12 महीनों तक। तो दोस्तों है ना ये गुड न्यूज़, जिनको कि बेसिक फ़ोन यूज़ करना है और YouTube, Facebook वगैरह यूज़ करना है और जिनका ज़्यादा बजट भी नहीं है, जिनको नया फ़ोन भी लेना है उनके लिए। और दोस्तों दूसरी न्यूज़ ये कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने माइक्रोफ्लूडिक नाम के एक चिप को तैयार किया है जिससे कि आप कोरोना वायरस का पता लगा सकते हैं। इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन में किया जाता है और इसको बनाया है अमेरिका के राइस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। और एक रिसर्च में ये कहा गया है कि नैनो बीड्स चिप के जरिए 55 मिनट में ये पता लग जाता है कि कोरोना है या नहीं है, यानी कि कोरोना टेस्ट 55 मिनट पे ही रिजल्ट दे देता है। राइस लैब के मैकेनिकल इंजीनियर पीटर लिहोल्स का ये कहना है कि ये डिवाइस इतना अच्छा है कि आपको कोरोना टेस्ट के लिए लैब में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और पूरा कोरोना टेस्ट आप सिर्फ एक फ़ोन से कर पाएंगे। और पिछले साल इसी लैब में मलेरिया की टेस्टिंग के लिए माइक्रो नीडल इसी लैब में तैयार किया गया था। और इस चिप को लेकर ये भी दावा है कि इसकी जो टेस्टिंग की रिपोर्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है सटीक होती है। गूगल पिक्सल 2 फ़ोन के साथ पोटेंशियल स्टेट नाम की एक डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है जो कि सिर्फ 230 पिकोग्राम, जो कि 1 ग्राम का
अरबवा हिस्सा होता है सीरम से टेस्ट को पूरा करती है, और ये टेस्ट एंटीबॉडी टेस्ट जैसा ही है क्योंकि इसमें भी एंटीबॉडी के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। चिप में सैंपल डालने के लिए एक ट्यूब का इस्तेमाल होता है। चिप में एक मैग्नेट है जो कि सीरम को इलेक्ट्रॉनिकल सेंसर तक पहुंचाती है। इसके बाद चिप फोन में मौजूद एक ऐप को एक सिग्नल भेजता है जिससे कोरोना के बारे में पता चल जाता है। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे कोरोना टेस्टिंग मोबाइल फ़ोन तक आ चुकी है कि मतलब कोरोना की टेस्टिंग इजीली मोबाइल फ़ोन से भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के थे ये दो गुड न्यूज़। पहला कि जियो के फ़ोन आने वाले हैं कम प्राइजेज में, आपको ज़्यादा फीचर्स और आपको बार बार रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके अलावा कोरोना टेस्टिंग फ़ोन से भी हो सकती है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।